चमड़े की जैकेट और हाथों में कुछ किताबें लिए एक व्यक्ति काफी परेशानी से एक टैक्सी वाले से बोलता है, क्या तुम अल्बर्ट आइंस्टीन का घर जानते हो? तो इस पर टैक्सी वाले ने जवाब दिया, जी हाँ, उनका घर कौन नहीं जानता, वो बहुत ही बड़े वैज्ञानिक हैं। जिसके बाद उस व्यक्ति ने कहा, मुझे उनके घर ले चलो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये व्यक्ति कौन था? अगर नहीं तो बता देता हूँ, ये कोई और नहीं बल्कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ही थे जो अपने घर का पता भूल गए थे। आखिर कैसे इतने भुलक्कड़ आदमी ने इस दुनिया में विज्ञान को एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया, ये सब जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ आखिर तक इस वीडियो में। वे जितने महान वैज्ञानिक थे उनका पहनावा उतना ही साधारण था तथा काम असाधारण। सिर पर बड़े बड़े बाल, बदन पर घिसी हुई चमड़े की जैकेट, बिना सस्पेंडर की पतलून, पांवों में बिना मोजों के जूते, खोलते समय ना उन्हें ढीला करना पड़े ना ही पहनते समय उन्हें कसना पड़े। एक ऐसे शख्स जिन्हें देखकर कभी लगता नहीं था कि यही वो महान वैज्ञानिक हैं जिसने विश्व को क्रांतिकारी सिद्धांत दिए हैं, जिसे विश्व पूरा सम्मान देता है। नोबेल पुरस्कार भी उनके कामों के सामने बौना पड़ता है। ये महान व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन थे। अल्बर्ट आइंस्टीन 14 मार्च 1879 में जर्मनी के एक साधारण परिवार में जन्मे थे। आपको बता दें, जब आइंस्टीन पैदा हुए तब उनका सर नॉर्मल बच्चों से बहुत ज्यादा बड़ा था, जिसे देखकर डॉक्टर हैरान रह गए थे और डॉक्टर्स ने तभी कह दिया था कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। आइंस्टीन के पिता बिजली के सामान का छोटा सा कारखाना चलाते थे, माँ घर का कामकाज करती थी। आइंस्टीन बचपन में कुछ बोला नहीं करते थे। उनके आसपास के लोगों और उनके माता पिता को लगता था आइंस्टीन गूंगे हैं, पर 4 साल की उम्र में एक दिन सूप पीते समय आइंस्टीन पहली बार बोले और कहा, सूप बहुत गर्म है। अल्बर्ट आइंस्टीन के लालन पालन की जिम्मेदारी इनके चाचा ने निभाई थी। चाचा ने अपने इस जिज्ञासु और जहीन भतीजे में छिपी प्रतिभा को पहचान लिया था और बचपन में ही उनकी प्रतिभा को विज्ञान की ओर मोड़ दिया था। चाचा उन्हें जो उपहार देते थे उनमें अनेक वैज्ञानिक यंत्र होते थे। उपहार में चाचा से प्राप्त एक कंपास ने उनकी विज्ञान के प्रति रुचि को और भी ज्यादा जगा दिया था। आपको बता दें, अल्बर्ट आइंस्टीन पढ़ाई लिखाई में शुरू से बहुत अच्छे नहीं थे। वे किसी भी चीज पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाते थे, यहाँ तक कि वो हर चीज को बहुत जल्दी भूल जाया करते थे। वे सिर्फ विज्ञान में ही रुचि लेते थे, बाकी विषयों में उनका मन नहीं लगता था, इसीलिए स्कूल जाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। वे स्कूल को जेल समझते थे, फिर भी उनको स्कूल जाना पड़ता था। हालांकि विज्ञान की किताबें पढ़कर स्कूली दिनों में ही अल्बर्ट आइंस्टीन सामान्य विज्ञान के अच्छे खासे ज्ञाता बन गए थे। जर्मनी के अलावा उनके पड़ोसी देशों स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी वहां के नागरिक बनकर वो रहे। उनके शिक्षक थे हरमन मिनोवस्की। वो आइंस्टीन को एक ऐसा आलसी व्यक्ति मानते थे जो कक्षा में शायद ही कभी उपस्थित रहता हो। कारण ये था कि आइंस्टीन अलग ही किस्म के छात्र थे और किसी शिक्षक ने उन्हें समझा ही नहीं। आइंस्टीन के अन्य शिक्षकों की राय भी उनके बारे में बहुत अच्छी नहीं थी। उनके भौतिकी के अध्यापक हेनरिक बेवर ने उनसे कहा था, तुम बहुत चतुर लड़के हो पर तुम में एक कमी है, तुम किसी की बात नहीं सुनते हो। ऐसा भी कहा जाता है कि आइंस्टीन को एक टीचर ने स्कूल छोड़ने तक की सलाह दे दी थी, क्योंकि उनका मानना था कि आइंस्टीन की बुराइयों से स्कूल के दूसरे छात्र प्रभावित होते हैं और उनकी आदतें बिगड़ती हैं। लेकिन इन तमाम कमियों, तीखी टिप्पणियों के बावजूद आइंस्टीन निराश नहीं हुए। जीवन के प्रति उनमें आशा बनी रही, क्योंकि उन्होंने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया था। वे किसी टीचर की टिप्पणी से आहत नहीं हुए थे, क्योंकि वे किसी टीचर या अन्य किसी की नेगेटिव बातों को बहुत जल्दी भूल जाया करते थे, मानो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, बल्कि वे हमेशा वही करते थे जो उन्हें सही लगता था। और अंत में अपने परिश्रम और अपनी प्रतिभा से विज्ञान की दुनिया में एक अलग नाम कमाया, शायद जो कोई और वैज्ञानिक ना कमा सका, और साथ ही नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया। आइंस्टीन का सीक्रेट लेटर। 1914 से 1932 तक बर्लिन में रहने के दौरान हिटलर की यहूदियों के प्रति घृणा को समय रहते भांपकर अल्बर्ट आइंस्टीन अमेरिका चले गए थे। आपको बता दें कि आइंस्टीन ने अगस्त 1939 में अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक चिट्ठी लिखी थी। ये चिट्ठी 11 अक्टूबर 1939 को अपनी मंजिल पर पहुंची। ये चिट्ठी इतिहास के अहम दस्तावेजों में एक है। दुनिया आज जिन न्यूक्लियर हथियारों के ढेर पर बैठी है उसकी बुनियाद में ये चिट्ठी ही है। इसमें उन्होंने रूजवेल्ट को परमाणु बम विकसित करने की सलाह दी थी। उन्होंने रूजवेल्ट को आगाह किया, बताया कि शायद जर्मनी न्यूक्लियर बम विकसित कर रहा है। दिलचस्प तो ये भी है कि आइंस्टीन खुद भी जर्मनी के ही थे। अल्बर्ट आइंस्टीन के प्रमुख आविष्कार। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत से आविष्कार किए जिसके लिए उनका नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में गिना जाने लगा, लेकिन इस वीडियो में हम उनके कुछ प्रमुख आविष्कारों के बारे में बात करेंगे। प्रकाश की क्वांटम थ्योरी।
आइंस्टीन ने अपनी खोज प्रकाश की क्वांटम थ्योरी में ऊर्जा की छोटी थैली की रचना के बारे में सबको बताया, जिसे फोटोन कहा जाता है, जिनमें तरंग जैसी विशेषता होती है। उनकी इस थ्योरी में उन्होंने कुछ धातुओं से इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन को समझाया। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की रचना की। इस थ्योरी के बाद ही टेलीविजन का आविष्कार किया जा सका। दोस्तों, हम अपनी किसी वीडियो के जरिए टेलीविजन के आविष्कार का इतिहास जरूर बताएंगे, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें। आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच एक समीकरण प्रमाणित किया, उसको आज न्यूक्लियर ऊर्जा कहते हैं, ब्रोवियन मोमेंट। इसे अल्बर्ट आइंस्टीन की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खोज कहा जा सकता है। उन्होंने परमाणु के निलंबन में जिगजैग मोमेंट का अवलोकन किया, जो कि अणु और परमाणुओं के अस्तित्व के प्रमाण में सहायक है। और हम सभी जानते हैं कि आज के समय में एटम और मॉलिक्यूल विज्ञान की अधिकतर सभी ब्रांच में एक मुख्य योगदान रखता है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस थ्योरी में समय और गति के संबंध को समझाया है। ब्रह्मांड में प्रकाश की गति को निरंतर और प्रकृति के नियम के अनुसार बताया है। इस सिद्धांत का प्रसिद्ध समीकरण E=mc² है, जिसके कारण ही परमाणु बम बन सका। इसी के कारण इलेक्ट्रिक ऑय की बुनियाद रखी गई। इसी के कारण ध्वनि चलचित्र पर शोध हो सके। आइंस्टीन को अपनी इसी खोज के लिए विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार मिला था। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्तावित किया कि गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम कॉन्टिनम में कर्व क्षेत्र है, जो कि द्रव्यमान के होने को बताता है। आइंस्टीन के जीवन के मुश्किल दौर। स्नातक की डिग्री लेने के बाद उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाने के बारे में विचार किया, लेकिन अल्बर्ट के अधिक ज्ञान की वजह से प्रारंभ में उन्हें नौकरी नहीं मिली, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन सन 1902 में अल्बर्ट आइंस्टीन को स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में एक अस्थायी नौकरी मिल गई। अब उन्हें अपने शोध लेखों को लिखने और प्रकाशित कराने का बहुत समय मिला। उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया और अंत में उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिल ही गई। आइंस्टीन से जुड़े रोचक तथ्य। अल्बर्ट आइंस्टीन एक दिन कहीं भाषण देने जा रहे थे। रास्ते में जाते समय उनके ड्राइवर ने उनसे कहा कि मैं आपका भाषण इतनी बार सुन चुका हूं कि लोगों के सामने मैं ही आपका भाषण दे सकता हूं। उसकी बात सुनकर उन्होंने कहा, ठीक है, आज तुम्हें मेरी जगह भाषण देना है। आइंस्टीन ने ड्राइवर की पोशाक पहनकर उसका स्थान ले लिया और अपना स्थान ड्राइवर को दे दिया। भाषण हॉल में ड्राइवर ने सचमुच आइंस्टीन के जैसे ही धुआंधार भाषण दिया। भाषण देने के बाद जब लोगों ने प्रश्न पूछे तो ड्राइवर पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब भी दे रहा था, वो भी बिल्कुल सही। किंतु किसी एक ने ऐसा कठिन प्रश्न पूछ लिया कि ड्राइवर को उसका उत्तर नहीं पता था। इस पर ड्राइवर ने कहा, अरे इस प्रश्न का जवाब तो इतना सरल है कि मेरा ड्राइवर ही आपको बता देगा। ऐसा कहकर उसने ड्राइवर वाली पोशाक पहने आइंस्टीन को जवाब देने के लिए खड़ा कर दिया। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन अपने दिमाग में ही शोध का विजुअल प्रयोग करके खाका तैयार कर लेते थे। ये उनके लेबोरेटरी प्रयोग से ज्यादा सटीक होता था। आइंस्टीन को उनके प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन इसके साथ मिलने वाली राशि पर उनका अधिकार नहीं हो पाया। ये राशि उनके तलाक के दौरान बीवी के सेटलमेंट के दौरान देनी पड़ी। भले ही आइंस्टीन को दुनिया सबसे महान वैज्ञानिक माने, लेकिन वे बचपन में सीखने और पढ़ने में कमजोर थे और या कहें कि बहुत ही धीमे थे। वे यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए पहले एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गए थे। आइंस्टीन अपनी खराब याददाश्त के लिए बदनाम थे। ये सच है कि वे अक्सर तारीखें, नाम और फोन नंबर भूल जाते थे। एक बार वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, तभी टीसी आया, वो उनसे टिकट मांगने लगा, जिसके बाद वो अपनी जेब और बैग में टिकट खोजने लगे। काफी देर तक टिकट खोजने के बाद टीसी बोला, सर रहने दीजिए, मुझे मालूम है आपने टिकट खरीदी होगी, मैं आपसे टिकट नहीं मांगूंगा। लेकिन आइंस्टीन ने कहा कि मैं टिकट इसलिए ढूंढ रहा हूं जिससे मुझे ये पता चल सके कि मुझे जाना कहां है। जर्मन वैज्ञानिक आइंस्टीन को इजराइल के राष्ट्रपति पद का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। इतने बड़े वैज्ञानिक के साथ कोई विवाद ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। वे 1902 में एक अवैध संतान के पिता बने। 1879 में जन्मे आइंस्टीन की कानूनी रूप से 1909 और 1919 में दो शादियां हुई थीं। आइंस्टीन समेत डार्विन, एलन पोई और सद्दाम हुसैन जैसी हस्तियों ने अपनी पहली शादी कजिन से की थी। आइंस्टीन की मृत्यु। आइंस्टीन की मृत्यु 18 अप्रैल 1955 के दिन प्रिस्टन के एक अस्पताल में हो गई थी। आइंस्टीन की मृत्यु के बाद उनके परिवार की अनुमति के बिना उनका दिमाग निकाल लिया गया। यह नैतिक कार्य डॉक्टर थॉमस हार्वे ने किया था उनके दिमाग पर रिसर्च करने के लिए। 1975 में उनके बेटे हैंस की आज्ञा से उनके दिमाग के 240 सैंपल कई वैज्ञानिकों के पास भेजे गए, जिन्हें देखने के बाद उन्होंने पाया कि उनके दिमाग में आम इंसान से ज्यादा सेल्स की गिनती हुई है। तो ये थी अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कुछ जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने किसी एक दोस्त को शेयर भी कर दें। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।